नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे साथ सिद्धार्थ ज्वाइन हुए हैं जो कि अपना एसेंचर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये 2020 बैच के हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सिद्धार्थ कौन कौन से राउंड फेस किए थे और क्या क्या इनको डिफिकल्टीज आई थी इंटरव्यू के टाइम। तो सिद्धार्थ आप अपना इंटरव्यू आप बता सकते हो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे आपका राउंड वन और आपने उसको कैसे प्रिपेयर किया। और एक चीज और सिद्धार्थ मैं बताना चाहूंगा कि जब आपने टेक्निकल इंटरव्यू में जब आओ तो अपने टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इफ पॉसिबल तो वो भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो सिद्धार्थ गो अहेड। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिद्धार्थ अग्रवाल है। मैं लास्ट ईयर एक्सेंचर में प्लेस हुआ था। हमारे यहाँ एक्सेंचर लास्ट ईयर अगस्त एंड में आई थी, आई थिंक 28-29 अगस्त के समय में आई थी, अगस्त के समय में आई थी। And it was zone wise, like Accenture last year से recruitment जो है वो zone wise करना चालू कर दिया है कि जैसे east zone का होगा, west zone का था, north zone का था, south zone का। I think इस साल भी शायद वही हो रहा होगा, मुझे लगता है। Yes, so I think last year ऐसे ही था। तो पहला चीज ये था कि firstly तुम्हें अपना form आ गए थे I think in the month of July। उन लोगों ने college के सारे बच्चे जिनका CGPA 6.5 से ऊपर था सबको उन्होंने फॉर्म भेजा था और सबको फॉर्म भरना था। फॉर्म भरने के बाद सबका काम था कि सब लोग अपने प्लेसमेंट के लिए वेट कर रहे थे। सो जैसे ही डे वन चालू होता है, हमारे कॉलेज में KIIT भुवनेश्वर में डे वन चालू हुआ था इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड में चालू हुआ था, एग्जैक्ट एंड में चालू हो गया था। तो उस समय काफी कंपनीज आ रही थी, जैसे कैपजेमिनी आए थे, विप्रो आया था। लास्ट कंपनी जो थी वो एक्सेंचर थी। एंड एक्सेंचर में पहला राउंड जो हुआ था, मैं जो बताऊंगा वो था एप्टी राउंड का। एप्टी में आपके तीन सेक्शन, कहोगे कि चार सेक्शन थे, बोलने को कहा जाए तो तीन सेक्शन थे, वैसे अगर तुम उसको डिफरेंशिएट कर लो तो चार भी थे। क्योंकि पहला तुम्हारा एक वर्बल का था, दूसरा तुम्हारा उसके बाद एक लॉजिकल का राउंड था, तीसरा तुम्हारा उसमें फिर एक तुम्हारे क्वांट्स का था। लेकिन क्वांट्स के साथ साथ कभी कभी उसमें क्वेश्चन जो थे, एक आध तुमको देखेंगे छोटे मोटे क्वेश्चन तुमको मिल जाते, एक्सेल के मिल रहे थे, MS एक्सेल से क्वेश्चन थे थोड़े, और दूसरे तुम्हारे थोड़े बहुत प्रोग्रामिंग के एक दो क्वेश्चंस थे, मतलब हार्डली थे बट वो थे, ये मैं बोलूंगा तुम्हें कि टेक्निकल से थे। तो यू कैन टेल दैट हाँ टेक्निकल में थोड़े से पार्ट्स में वो क्वेश्चंस थे। जहां तक अगर तुम बात करना चाहोगे मेरे से कि अबाउट कि कैसे प्रिपेयर किया, जो तुमने पूछा मेरे से, तो प्रिपेरेशन का पहला चीज था कि जैसे सारी कंपनीज जैसे जो प्लेसमेंट के लिए आते हो तो तुम अपना ऐप ही प्रिपेयर करते हो, टेक्निकल करते हो। एक्सेंचर में एक चीज था कि एक्सेंचर में तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हर्डल होता है कि तुम फर्स्ट राउंड को क्लियर करो। बिकॉज फर्स्ट राउंड जो होता है इसका, इट इज लाइक तुम, क्योंकि हमारे कॉलेज से भी काफी लोग थे वो बाद में अच्छी कंपनीज, मतलब और भी बड़ी कंपनीज में प्लेस हुए, बट दे वर नॉट एबल टू क्लियर द एप्टी राउंड। तो इसमें और एक्सेंचर में एक चीज और थी कि जो लोग पहले से भी किसी कंपनी में प्लेस थे वो लोग को भी अलाउ किया गया था बैठने के लिए। तो इट वॉज लाइक कि एवरीवन वॉज अलाउड विद द But just they are supposed to have 6.5 CGPA. That was a criteria in our college that anybody, जो भी कोई भी है बंदा, जिसके बंदी जिसके भी 6.5 से ऊपर है, वो place पहले से हुआ है, वो doesn't matter, आप बैठ सकते हो। तो essentially में ये सिद्धार्थ एक बात मैं जरूर पूछूंगा, सिद्धार्थ यहाँ मैं पूछना चाहूंगा, अगर जिसकी अगर backlog है तो उसके लिए क्या था, कुछ था backlog के लिए किसी बच्चे की backlog थी तो? देखो जिसको backlog था I think उन्हें allowed नहीं किया गया था बैठने के लिए, because company का first and foremost rule है कि they don't allow backlogs and you are supposed to have 6.5 CGPA. So ये चीज़ है, ये criteria हर company का रहता है कि 60% या 65% तुम रखो अपना। तो वो था पहला, जहां तक मैं बता रहा था अभी कि एप्टी राउंड के बारे में। तो एप्टी में सिंपल ही थे सारे, एक तुम्हारा पहला राउंड था वर्बल का था, वर्बल बहुत ही सिंपल था। तुमने अगर थोड़ी बहुत भी वर्बल अगर की है बैठ के इंडिया ब्रिक्स से जैसे साइट, उस पर अगर तुम करोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा, तुम ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं। दूसरा उसके बाद था LR वॉज ऑल्सो ईजी। LR के लिए अगर तुमने कभी भी RS अग्रवाल या वो सब जो बुक्स आती हैं अगर तुमने वो लगाई है तो निकल जाता है। लॉजिकल निकालना बहुत आसान होता है, मतलब इट्स क्वाइट इजी। क्वांट आता है, क्वांट थोड़ा सा इसमें देखोगे कि क्वांट जो दूसरी कंपनी से, अगर तुम कैपजेमिनी से कंपेयर करो या विप्रो से कंपेयर करो या टीसीएस से कंपेयर करो, थोड़ा सा ऊपर रहता है, एक लेवल ऊपर रहता है। बट
और मतलब अगर तुमने उसके लिए भी मतलब अगर अगर तुमने बैठ के क्योंकि प्लेसमेंट के लिए सब लोग तैयारी करते हैं जनरली जो बच्चे रहते हैं सारी प्लेसमेंट्स की तैयारी करते रहते हैं तो निकल जाता है उसमें कोई है नहीं। अरिथमेटिक से ही ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं तुम्हारे अरिथमेटिक से परसेंटेज से प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो से वेरिएशन से एक चीज और ना सिद्धार्थ मैं पूछना चाहूंगा आपने कहा कि बहुत सारे जो बच्चे थे जो राउंड में क्लियर नहीं कर पाए थे तो आपके अकॉर्डिंग इन चारों सेक्शंस में से सबसे डिफिकल्ट सेक्शन कौन सा था? अगर तुम देखो तो सबसे टफ सेक्शन उनमें से सबसे ज्यादा तुम्हारा क्वांटी था क्योंकि टेक्निकल के जो क्वेश्चंस थे यार देखो टेक्निकल में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जिनको टेक्निकल का टीवी नहीं पता था सीरियसली बोलूं तो उसमें ये था कि आइदर तो बच्चे जो तो उन्होंने आइदर तो टुक्के मारे होंगे नहीं तो फिर उन लोगों ने सीधे मतलब मार्क जिनको आता होगा उन्होंने कर लिया होगा राइट। तो ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्योंकि एक्सटेंशन जो होता है वो पहली चीज दो प्रोफाइल के लिए आती है ये चीज भी है क्योंकि वो एसी के लिए आती है और तुम्हारा एफएससी के लिए आती है तो एक जब तुम हर्डल क्रॉस करो एसी का पूछो पूछो तो ये जो तुम्हारा एप्टीट्यूड का जो हर्डल था जैसे ये जो तुमने ये जो एप्टीट्यूड दिया था तो फिर ये शॉर्ट लिस्टिंग तो क्या बेसिस पर हुई थी आप यहाँ शॉर्ट लिस्टिंग कैसे हुई थी? देखो एप्टी में एप्टी के बाद की शॉर्ट लिस्टिंग बोल रहे हो तुम इंटरव्यू के लिए या एप्टी राउंड के बाद राउंड वन के बाद? हाँ तो राउंड वन के बाद देखो उसमें पहला चीज होता है जैसे ही तुम टेस्ट पास करते हो तुम जैसे ही टेस्ट तुम्हारा खत्म होता है तुम्हारा एक सेकंड राउंड कोडिंग का चालू हो जाता है। कोडिंग जैसे ही चालू होता है दैट मींस कि तुमने तुम एसी रोल में इंटरव्यू के लिए रेडी हो तुम इंटरव्यू में जा रहे हो तुम सो यू आर नहीं सिद्धार्थ मैं अगर तुम्हारा सिद्धार्थ लाइक सिद्धार्थ मेरा डाउट दूसरा था मैं पूछना चाहता हूँ कि किस किस को पता चलेगा कि उसका राउंड वन क्लियर हो गया है और क्या उसकी शॉर्ट लिस्ट थी क्या उसका कट ऑफ था? हाँ कट ऑफ क्या था तुम मतलब एग्जैक्ट कट ऑफ तो हमें भी नहीं बताया था किसी ने क्योंकि वो कंपनीज का अपना प्रोसीजर होता है वो हमें नहीं पता था। मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ कि किस तरह से हुआ था कि जैसे हम लोग जब बैठे थे तो एप्टी हो रहा था एप्टी खत्म हुआ जिसका एप्टी खत्म होने के बाद नेक्स्ट राउंड अपने आप तुरंत उनके लैपटॉप पे कंप्यूटर स्क्रीन पे चालू जाता है जो कि होता है कोडिंग राउंड। कोडिंग जैसे ही चालू होता है दैट मींस कि तुम एसी का एप्टीट्यूड पास कर चुके हो तुम्हारा इंटरनल में कुछ कट ऑफ होता होगा उसका तुम पास कर गए हो ओके सो दिस इज द थिंग आई गॉट योर पॉइंट सवाल तुम्हारा। उसके बाद फिर जैसे तुम अगर तुम कोडिंग कर लेते हो तो तुम हो सकता है कि एफएससी के लिए भी हो लेकिन उसके लिए टोटल एक क्राइटेरिया होता है लाइक टोटल स्कोरिंग की जाती है तुम्हारा एप्टी का स्कोर लिया जाता है प्लस तुम्हारा कोडिंग का लिया जाएगा फिर तुम्हारा इंटरव्यू का लिया जाएगा क्योंकि एफएससी वालों की टेक्निकल इंटरव्यू होती है। तो कोडिंग का दो क्वेश्चन था मेरा एक क्वेश्चन हो गया था वो था तुम्हारा कि रिकर्शन से तुम्हें जो रिपीटिंग एलिमेंट कैरेक्टर्स होते हैं तुमको उसको मतलब रिमूव करने थे तो वो एक क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था। दूसरा एक क्वेश्चन था स्ट्रिंग पैरेंथेसिस का एक क्वेश्चन था तो वो तो नहीं हुआ था तो जिनसे हुआ होगा उनका हो गया था आई थिंक। तो मेरे को फिर एक फिर जैसे ही तुम्हारा होता है ना तो तुम्हें एक मैसेज आता है तुम्हारे मोबाइल पे आ जाएगा यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू राउंड वो एक आएगा एंड यू आर बीइंग कॉल्ड एट दिस एट सच टाइम। उनको टाइम लिख के हमारे कॉलेज में तो यही हो रहा था कि एक्सेंचर वाले मैसेज कर दे रहे थे सीधा वो लोग टेक्स्ट मैसेज कर रहे थे वो इंटरव्यू के लिए फिर उनको बुलाया गया था। इंटरव्यू बहुत सिंपल होता है वो लोग यही पूछते हैं कि तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है टेल मी अबाउट योरसेल्फ जो सिंपल हर कंपनी का होता है एक रूल होता है फंडा होता है वही उन लोगों ने पूछा था उसके अलावा कुछ नहीं पूछा था। तुम उस पर कुछ भी करो तुमने अगर टेक्निकल बोला है तो हो सकता है तुमसे टेक्निकल के क्वेश्चन पूछेंगे कि तुम अगर बोलते हो कि आई वांट एस्पायर टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कुछ भी या तुम बोलते हो कि तुम अपने हॉबीज भी बताते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम अपना कुछ भी मतलब बिकॉज एसी का इंटरव्यू में वो लोग बस चेक करना चाहते हैं कि वेदर द पर्सन इज कॉन्फिडेंट और नॉट दैट्स इट। वो टेक्निकल राउंड में जाते ही नहीं है उतना टेक्निकल अगर तुम खुद से बोलते हो कि हाँ मेरी 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 स्पेशलिटी है कि मेरे को पाइथन आता है जावा आता है तो हाँ वो क्वेश्चन कर सकते हैं तुमसे कि जो भी क्वेश्चन होते हैं बट मैंने मेरा जब इंटरव्यू होता था मेरे बगल में भी जो बैठे हुए थे उनसे उन लोगों ने टेक्निकल का नाम नहीं लिया था वहाँ पे उन लोगों ने भी सिर्फ यही बोला था कि लाइक उनका क्या वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी या उनकी हॉबीज क्या है तो तुम
एक्चुअली एक्सेंचर में मैं यही बताऊंगा कि तुम इंटरव्यू को ना मतलब अपने आराम से अपने तरीके से ड्राइव कर सकते हो, मतलब यू वुड बी द वन हु वुड बी ड्राइविंग द इंटरव्यू. वो बहुत आसान होता है वहां पे करना चाहिए, बट कंपनीज के दिए थे. मैं विप्रो में भी प्लेस हुआ था, तो मैं वहां का बताऊं तो उन लोगों ने टेक्निकल राउंड लिया था और टेक्निकल में क्वेश्चंस पूछे थे. ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने टेक्निकल में पूछा नहीं था, उन लोगों ने टेक्निकल के क्वेश्चंस पूछे थे. इवन इन टीसीएस आल्सो व्हेन आई गॉट प्लेस दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस व्हिच वाज रिलेटेड टू टीसीएस व्हिच वाज रिलेटेड टू जावा. और जो भी तुम्हारे रिज्यूमे होता है वहां पे रिज्यूमे लेके जा, रिज्यूमे तुम्हारा पहले ही ले लेते हैं. और तुम मतलब पहली चीज है कि तुम्हारा रिज्यूमे वो लोग टीसीएस में जब जाते हैं तो वो लोग रिज्यूमे बेस्ड काफी क्वेश्चंस पूछे थे, वो लोग भी पूछे थे. तो मैं ये कहूंगा एक्सेंचर में एक चीज का प्लस पॉइंट होता है कि तुम आई मीन तैयारी करो, तुम अगर करोगे तो तुम अपने से यू कैन यू नो ड्राइव द इंटरव्यू, ऐसा होता है. सिद्धार्थ एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि जब हम एक्सेंचर का इंटरव्यू देते हैं तो उस समय इंटरव्यू के पास रिज्यूमे होता है हमारा या नहीं होता, जैसे कैप जेमिनी पहले से मांग लेती है इंटरव्यू रिज्यूमे? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है. वो लोग भी ले लेते हैं जैसे तुम एंटर करते हो. जैसे हमारे यहाँ क्या था कि हमसे रिज्यूमे ले लिया था, जैसे हम लोग गेट पे खड़े थे और जब हम लोग उस अंदर में हॉल के जा रहे थे तो वहां पे उन लोगों ने ले लिया था. तो लेकिन लेकिन मतलब उसने वही पूछा कि जो कि मेरे को आता था, मैंने रिज्यूमे जो था उसमें से रिज्यूमे लिया था, बट उसने मेरे से क्वेश्चंस नहीं किए थे रिज्यूमे से रिलेटेड. उसने मेरे से क्वेश्चंस किए थे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज गोइंग थ्रू योर माइंड राइट नाउ. मैंने जो था उसको बहुत अच्छे से जैसे ड्राइव मैंने ड्राइव कर लिया था और ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, 5 to 10 minutes का होता है. एंड आई थिंक जो लोग मेन हर्डल मैं यही कहूंगा एक्सेंचर में होता है कि तुम एप्टी का टेस्ट पहले क्लियर करो. एप्टी का टेस्ट अगर क्लियर करते हो यू आर श्योर शॉट टू गेट प्लेस, अनटिल अनलेस तुमने बहुत ज्यादा अगर वहां पे जाके अगर तुमने गलती कर दी है इंटरव्यू में, अगर गलती से कर भी रहे हो तो बहुत रेयर होता है, लेकिन तुम लिटरली अच्छे से निकाल सकते हो. हाँ एफ एस सी का मैंने अपने दोस्तों से ये सुनना था कि उनकी इंटरव्यू थोड़ी सी उनका टेक्निकल क्वेश्चंस हुआ था, उनके दो हुए थे, उनसे टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे. सो देयर इज अ डिफरेंस, बट या आई थिंक जहाँ तक मैं तुम्हें बताऊँ तो ए सी के लिए बहुत आसान होता है, 4.5 पैकेज का जो 4.5 लाख का जो पैकेज होता है उसके लिए तुम कर सकते हो. एंड दैट्स इट. बट वन मोर थिंग जो मैं बताना चाहूंगा अपने जो कि मैं मतलब तुम्हारे थ्रू में स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा वो ये है कि उसके बाद कोडिंग मत छोड़ना कोई भी, मतलब कोडिंग करते रहो क्योंकि वहां पे जब तुम जाओगे एक्सटेंशन में तो यू आर सपोज टू गिव अ फंडामेंटल टेस्ट. तो जब तुम ज्वाइनिंग करते हो तो तुम्हारे उसके बाद एक फंडामेंटल टेस्ट होती है जिसमें तुम्हारे वो लोग मॉड्यूल देते हैं, सब देते हैं, एंड यू आर सपोज टू यू नो गो थ्रू इट एंड प्रिपेयर करना. तो मोस्टली उसमें कोडिंग ही पूछता है तुमसे, जो स्ट्रिंग के क्वेश्चंस थे ना, जो स्ट्रिंग के क्वेश्चंस होते हैं, एरे के होते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे. प्रॉपर कोडिंग आती है जो इंटरव्यू में, जो हम लोग का जब तुम प्लेसमेंट में बैठते हो उसी तरह कोडिंग पूछी जाती है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम उसको करो. तो जैसे इस बार हम लोग का जैसे ऑनलाइन हुआ था, बट हाँ बोल पूछो. सिद्धार्थ एक चीज पूछनी थी मुझे, ये जो एफएससी के लिए जो अप्लाई कर रहे थे, जो लोग इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो रहे थे, तो ये वही लोग सेलेक्ट हो रहे थे जिन्होंने दोनों प्रोग्रामिंग क्वेश्चन किए थे या जिन्होंने एक या 1.5 किया था वो नहीं हो रहे थे सेलेक्ट? देखो इसका अच्छा मुझे एग्जैक्ट इसका नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने एक भी किया था लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ था. बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कहीं से, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम की, क्योंकि एफएससी का जो रोल है वो बहुत थोड़ा सा वो लोग उसके लिए, क्योंकि नया भी था एक्सेंचर में, आई थिंक लास्ट ईयर यस यस बस नहीं लाए थे ये लोग, 2 साल पहले था एसी के लिए एक्सेंचर नहीं, और दूसरी चीज एफएससी का जब से आया है तो आई थिंक ये लोग थोड़ा सा उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक कैंपस में ये लोग 400 to 450 बच्चे एसी के लिए ले रहे हैं एंड दे आर सिलेक्टिंग ओनली 30 to 40. लाइक हमारे कॉलेज से थोड़ा ज्यादा हुआ था, 60 बच्चे या 70 बच्चे कुछ सिलेक्ट हुए थे एक्सेंचर में एफएससी के लिए, बट स्टिल शॉर्टलिस्टिंग थोड़ी सी टफ हुई होगी और अच्छे उसमें प्रोग्रामर्स थे जो उसमें गए थे. सो मैं यही कहूंगा कि इट वुड हैव बीन आई थिंक
अ टफ राउंड, दैट इज व्हाई बहुत लोग उसमें से शॉर्टलिस्ट नहीं होते. मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो लोग कोडिंग करते भी थे बट दे डिड नॉट मेड थ्रू इट, दे डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी. तो सिद्धार्थ ऐसे मुझे एक चीज बताइए, कुछ लोग टेक्निकल इंटरव्यू में होता गया अपना रिज्यूमे के साथ कभी कभी ये सोचते हैं कि हम ज्यादा बोल देंगे तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आप क्या बोलना चाहोगे कि टेक्निकल इंटरव्यू में जो स्टार्टिंग होती है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ से होती है, और हम बेसिकली मैं अपनी कैपजेमिनी की वीडियोस में भी बहुत लोगों को बताना चाहूंगा, आज आप भी बता दीजिए कि हमें एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे करना चाहिए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जिससे हम इंटरव्यू को अपने अकॉर्डिंग चला सके. बिल्कुल, पहली चीज ये है, मैं तुम्हें कैपजेमिनी का ही बताता हूँ. मेरा भी कैपजेमिनी में इंटरव्यू हुआ था और मेरा टेक्निकल इंटरव्यू में बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा कि इंटरव्यू जो थे वो थोड़ी सी मतलब उन्होंने थोड़ा सा, एक कहते हैं ना कि लोग थोड़ा सा मतलब तुमको तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं, वो हुआ था. तो मैं कहूंगा वहां पे मैंने थोड़ा वहां पे बहुत बड़ा मतलब मेरे से भी मतलब प्रॉब्लम, मैंने खुद प्रॉब्लम क्रिएट की थी. वो मैं समझता हूँ जो इंटरव्यू होता है ना गलती करते हैं लोग, वो समझ. तो मैं वही बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम पहला जब होता है तो तुम अपने रेज्यूमे में वही वही लिखो. जैसे मेरे रेज्यूमे में उसमें जो चीजें मेरे को आती थी मैंने वही लिखी थी, लेकिन कभी भी ज्यादा मत लिखो. मैंने देखा है मेरे दोस्त हैं जानकार लोग हैं, दे गॉट इनटू, दे क्लियर द एपी राउंड, वो लोग गए किसी कंपनी में, उन्होंने बहुत कुछ लिखा. वो कंपनी डेटा साइंस की कंपनी, मतलब वहां पे डेटा साइंस की रिक्वायरमेंट देखी उन लोगों ने लिख दिया कि उनको पाइथन आता है, उन्हें ML आता है, उन्हें डीप लर्निंग आती है, बट उन्हें नहीं आता था. तो ये कि वहां पे किसी बच्चे ने सीधी उनको जो रिक्रूटमेंट करने आते हैं उनको बस ये चाहिए कि तुम किस तरह से अपने को प्रेजेंट, जहां तक मैं प्रेजेंट का थोड़ी देर बाद बताता हूँ तुम्हें, लेकिन मैं इसके बारे में तुम्हें बताऊंगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे जो रिज्यूमे है वो अच्छे से बिल्टअप होना चाहिए, कि तुम उसमें जो चीजें तुमको तुम्हारी स्ट्रेंथ है तुम उसे शो करो. तुम्हें वहां पे जाके अपने को सेल करना है. तुम अगर तुम जाके वहां पे बताओगे कि हाँ मैं ये अपने अपने मतलब अपने बारे में सब कुछ बताते रहोगे, हाँ मैंने ये किया है वो किया है, कभी भी देखना कंपनी की जब JD होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, वो लोग भी उतना चीजें नहीं बताते हैं, सब कुछ नहीं बताते कंपनी में कि क्या चल रहा है. तुम्हें ये नहीं है कि बढ़ चढ़ा के बताना है कि हमने ये कर दिया है, वो काम कंपनी का होता है, वो तुम्हारा काम नहीं है. तुम्हारा काम है कि तुम अपने बस जो चीजें तुम्हारी तुम अंदर से सोचो रेज्यूमे बनाते समय, और रेज्यूमे का टेम्पलेट बहुत मतलब मैं कहूंगा कि सिंपल रखो, ऐसा रखो कि जो अच्छे से वो पढ़े तो उसको समझ आए, जो तुम्हारी क्या कहते हैं जो तुम यूज कर रहे हो, जो 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 तुम बना रहे हो उसमें. तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम उसको एकदम ऐसा करो कि कहीं पे तुम कैरेक्टर साइज वहां पे बड़ा है कहीं पे छोटा है, तुम वैसा मत करो. एक प्रॉपर एक तुम सिस्टमैटिक एक पैटर्न लेके चलो, उसमें बनाओ, देख लो नेट पे बहुत सारे रेज्यूमेस मिलते हैं, रेज्यूमे जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं. मैंने भी वहीं से देखा था और आई थिंक कॉलेजेस भी प्रोवाइड करते हैं रेज्यूमे, जैसे हमें सीनियर्स के रेज्यूमे मिले थे तो हमने वो देखा था, तो हमने उसी हिसाब से बनाया था. तो इट इज इम्पोर्टेंट कि तुम थोड़ा सा रेज्यूमे देखो क्या तुमको सही लगता है, तुम अपने बारे में सोचो, जैसे मैंने भी सोचा था. और आई थिंक ये सारे लोग यही करते हैं, जिनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो लोग अपना स्ट्रेंथ के बारे में सोचते हैं कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डालना तो बहुत ही जरूरी है, ऐसा मत करना कि अब मेरी स्ट्रेंथ नहीं है कोडिंग तो मैं डालूंगा ही नहीं कोई प्रोग्राम में, ऐसा मत करना. नहीं, अगर तुम CS बैकग्राउंड से हो तो इट इज मच, अगर तुम मैकेनिकल से हो तो तुम ऑब्वियसली बात है नहीं ही डालोगे, तुम अगर ETC से इलेक्ट्रॉनिक्स से हो क्यों डालोगे, तो वहां पे तुम्हारा सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, दैट वुड बी इम्पोर्टेंट, दैट वुड बी रियली इम्पोर्टेंट. बट मैं यही बोलूंगा CSIT से हो या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो, तो कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में तो तुम्हारी अगर है तो उसको डालो, और वहां पे तुम लिख दो कि हाँ मतलब बेसिक टू इंटरमीडिएट मुझे आता है. ठीक है, मतलब उतना आना चाहिए कि तुमसे अगर वो बेसिक क्वेश्चन अगर पूछते, क्योंकि ये सब जो कंपनीज होती हैं ये कंपनीज उतनी टफ नहीं पूछती है इंटरव्यू क्वेश्चन, तुमसे पूछेगा प्राइम नंबर का. जैसे कुछ लोगों से AC में बोला था भी कि मुझे कोडिंग आती है, तो उनसे पूछा था अच्छा बताओ तो जरा प्राइम नंबर का एल्गोरिदम बताओ मेरे को, कोडिंग भी नहीं एल्गोरिदम बताओ मेरे को, सिंपल ये बताओ सुडो कोड तुम बता दो मेरे को सीधे एग्जैक्टली, तो मतलब बता दो मेरे को, लिख के बता दो. एंड उसके बाद उन लोगों ने जैसे किसी से पूछा कि फिबोनाची बताओ, नंबर फिबोनाची नंबर कैसे होता है, मतलब उसका कोड लिख दो, बहुत सिंपल होते हैं. तो वो सब जो होते हैं वही सब क्वेश्चंस आते हैं. और मैं लिटरली बोलूंगा कि अगर तुम 2-3 महीने पहले भी अगर प्रोग्रामिंग अपनी चालू करते हो तो आई डोंट थिंक कि तुमको प्रॉब्लम होने वाली है किसी भी कंपनी में प्लेस होने में. नॉट ओनली एक्सेंचर, यू कैन गेट प्लेस इन वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज जो कि तुम्हारे कैंपस में आती होगी. आई थिंक एक्सेंचर से इनसे भी बहुत बड़ी कंपनीज आती होंगी हर के कैंपस में,
तुम वहां भी प्लेस्ड हो सकते हो अगर तुम 2-3 महीने पहले चालू करोगे. एंड ऐसा मायूस होने का बात नहीं होता है. एक बार तुम प्लेस जाते हो तो तुम दूसरी कंपनी में बैठ भी नहीं पाते हो. तो इट इज इम्पोर्टेंट कि तुम अगर नहीं भी अगर किसी का होता है तैयारी करो, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो हार नहीं माननी है, तुम आगे करते जाओ. आई नो बहुत टफ होता है बच्चों के लिए कि जब वो प्लेस नहीं होता है, जैसे डे जीरो में बहुत सारी कंपनीज आई थी, मैं खुद भी रिजेक्ट हो रहा था. तो हार नहीं माननी रहती है उसमें, थोड़ा सा मोटिवेटेड रहो, पढ़ाई करनी पड़ती है. ये नहीं है कि उसमें गम में डूबे हुए कि यार पढ़ाई में प्लेस नहीं हो रहा, वो नहीं करना है. आई कैन अंडरस्टैंड दिस. इट वुड बी वेरी टफ सिचुएशन. यू वुड सी दैट सम ऑफ योर हॉस्टल मेट्स आर गेटिंग प्लेस्ड बिकॉज कंपनीज आती रहती हैं. बट इट इज इम्पोर्टेंट कि तुम पढ़ाई करते रहो. एंड जहां तक बात, अब मैं तुम्हारी वो बताता हूँ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ की. तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ को पहली चीज है कि तुम सोचो कि तुम जो चीज तुम्हारी स्ट्रेंथ है ना वो वहां पे रख दो. एक समरी रखो वहां पे, एकदम शॉर्ट में तुमको बताना रहता है कि जो तुम हो अपने बारे में बस बताओ, कि जो तुम्हें आता है तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है उस चीज को बस बताओ, खत्म. वो वहां पे ना ही तुम्हारे स्ट्रेंथ के बारे में वो तुमसे स्ट्रेंथ के बारे में पूछेगा, तुम उसको जो बताओगे. तुम वहां पे बोलोगे कि अगर मुझे AI आता है तो वो नेट सर्च करेंगे क्वेश्चन, वो निकालेंगे, वो क्वेश्चन तुमसे करेंगे. इट इज इम्पोर्टेंट कि तुमको जो आता है तुम वो चीजें अच्छे से वहां पे बताओ. तुम्हें जावा आता है तो तुम जावा के ऊपर एकदम सही ढंग से जो क्वेश्चन वो कर सकता है, बेसिक ही करेंगे ये लोग क्वेश्चन, उतने टफ नहीं करते हैं ये लोग सर्विस बेस्ड कंपनीज में, तो वो क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. सर मैं बोल रहा था TR राउंड के बाद जो जो शॉर्टलिस्ट हो रहे थे, जैसे जो TR राउंड हो रहा था टेक्निकल इंटरव्यू, उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट हो रहे थे वो कितनी देर बाद रिजल्ट पता चल रहा था, कितनी देर बाद उनका HR हो रहा था? HR और TR एक ही दिन हुए थे? बिल्कुल बिल्कुल. मैं जैसे मेरा तो TR और HR एक ही में हुआ था, सबका यही हो रहा था. ग्रुप में इंटरव्यू हो रहे थे, 5 बच्चे या 4 बच्चे एक साथ बैठे थे. ये चीज मैंने विप्रो और कैपजेमिनी में नहीं देखा था, ना ही TCS में देखा था. वहां पे अलग अलग बुलाया जा रहा था. और कैपजेमिनी में जैसे HR राउंड अलग से हुआ था, विप्रो में भी HR राउंड अलग से हुआ था, TCS में भी HR राउंड अलग से हुआ था, लेकिन यहाँ नहीं हुआ था, यहाँ पे एक साथ हुआ था. एंड मैं तुम्हें जैसे बता रहा था कि यहाँ पे इतना टेक्निकल नहीं पूछा, लोगों ने देखा था कि मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर तुमने एप्टी अच्छे से क्लियर किया है, बस अपने रेज्यूमे को थोड़ा ठीक से रखना, जाओगे आराम से क्लियर कर लोगे इसको. इस कंपनी में उतनी दिक्कत, आई थिंक एक्सेंचर इज द इजिएस्ट टू क्रैक अगर तुम देखो कि कर सकते हो, बस तुम्हारी थोड़ी सी एप्टीट्यूड अच्छी हो. थोड़ी एप्टी टफ होती है इन कंपेरिजन टू विप्रो एंड कैपजी, अगर तुम देखो वो मैं बात बोलूंगा. बट ये कंपनीज में आई थिंक होना मोर इजी है अगर तुमने एप्टी तुम्हारी अच्छी है तो, क्योंकि इसका पहला राउंड एप्टी के ऊपर ही फोकस करता है. इवन FSCs को भी कुछ आप करो. सिद्धार्थ एप्टी के टॉपिक्स कुछ बताना चाहोगे आप सबको, लाइक कौन को है, मतलब किस किस टॉपिक पर मेनली फोकस करना चाहिए? देखो पहला तो मैं टॉपिक यही बोलूंगा कि तुम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम पूछती है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, यही जो है यही चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और तुम्हारे एक हो गया PNC. इन्हीं से सारों से आए थे क्वेश्चन, और यही इंपॉर्टेंट है. इन्हीं से तुम्हारा, अगर तुम ये करके जाओगे तुम्हारा 90% तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा. बाकी एक आध क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा नंबर सिस्टम से आ जाए, लास्ट डिजिट वाले. बाकी आई डोंट थिंक कि उससे ज्यादा से किसी से क्वेश्चन आया था. दूसरा अगर तुम बात करो मेरे से LR की, लॉजिकल रीजनिंग की बात करो, तो यार लॉजिकल रीजनिंग मैं कहूँगा कि तुम थोड़ा सा जैसे तुम्हारा सर्कुलर कॉम्बिनेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे, कि अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट जो होते हैं वो अच्छे से करो. तुम्हारे जो एक अल्फाबेट्स वाले जो कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स का जो पैटर्न वाले क्वेश्चन, डिकोडिंग कोडिंग जो होती है उसे अच्छे से करो. और ये होता है दूसरा तुम्हारा एक आखिरी होता है कि तुम्हें जो सिचुएशनल बेस्ड उसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कि जैसे तुम्हें आई मीन टू से ऐसे तुम्हें डायग्राम दे देगा, नेक्स्ट डायग्राम तुमको प्रेडिक्ट करना रहता है कौन सा होगा, तो वो सब टाइप के क्वेश्चंस आए थे उसमें. एंड बाकी तुम्हारा जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे कि एक सर्किल है उसमें इतना रेशियो में है, तो कौन सा वो लास्ट वाला कौन से रेशियो में होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस थे. डिकोडिंग कोडिंग जो है ये सबसे ही क्वेश्चंस आए थे ज्यादा से ज्यादा. तुम्हारा डेटा इंटरप्रिटेशन से एक क्वेश्चन नहीं था इसमें, वो आता भी नहीं है.
और दूसरा तुम अगर देखो तो तुम्हारा जो वर्बल एबिलिटी थी, वर्बल एबिलिटी वॉज वेरी सिंपल, वर्बल एबिलिटी वॉज लिटरली इजी. इसमें तुम्हारा पहला चीज था एसे लिखने का नहीं था, जैसे विप्रो एंड कैपजी में एसे लिखने को आया था हमें, वो बहुत बड़ा क्राइटेरिया बन गया था कैपजेमिनी में, जिसमें बहुत लोगों का नहीं भी हुआ था. यहाँ पे वैसा नहीं था, यहाँ पे तुम्हारा बहुत सिंपल इंग्लिश थी, तुम्हें अच्छे से अगर जो तुम्हें वर्क के बारे में या प्रोपोजिशन के बारे में जो क्वेश्चन आ रहे थे, जो नॉर्मल तुम देखते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो था, एक्टिव पैसिव थे, इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे, ऑड वन आउट जो था, सिंटोनिम्स एनोनिम्स, बस इनसे क्वेश्चन आए थे और कहीं से नहीं आया था. एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी मैंने नहीं देखा था इसमें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं था. तो हो सकता है दूसरे के सेट में रहा हो, लेकिन मेरे सेट में एक भी आरसी का क्वेश्चन नहीं था. तो मैं कहूंगा कि इंग्लिश जो है वो भी तुम निकाल सकते हो, बेस्ट बुक ये सब के लिए आरएस अग्रवाल है, अगर तुम उसको करते हो तो निकल जाएगा. उससे बेटर अगर आरएस अग्रवाल भी करो तो साथ ही साथ थोड़ा सा नेट पे इंडिया बेस हो गया, तो उसको थोड़ा सा तुम देखते रहो, उस पर फ्री मटेरियल्स होते हैं, वो तुम अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा. मतलब तुम ट्रैक कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी. सिद्धार्थ एक चीज बताइए, टीआर का जो जिन जिन लोगों ने टीआर क्लियर किया था उन्होंने ही सिर्फ एचआर दिया था, फिर टीआर और एचआर सब लोग दे रहे थे? टीआर और एचआर वही दे रहे थे जिनका एप्टी क्लियर हो गया था, जिनका मैंने बोला ना कोडिंग आ गई थी क्वेश्चन. हाँ, उन सबने टीआर और एचआर साथ में ही दिया था, उनका टीआर एचआर सबका साथ में हुआ था. जिन्होंने कोडिंग किया था, जिन लोग एफएससी के लिए फिर हुए होंगे तो उनकी अलग से अलग से हुई होगी टेक्निकल इंटरव्यू आई गेस, बट मैं जहां तक अभी तक देखा हूं इसमें टेक्निकल इंटरव्यूज जो थे वो तुम्हारे एसी के लिए 4.5 के पैकेज के लिए साथ में हुआ था, टेक्निकल और एचआर नहीं हुआ था. और रात में हमें आ गया था आई थिंक 11:55 के करीब मैसेज मेल आ गया था कि यू आर कि यू हैव बीन सिलेक्टेड इन एक्सटेंशन. सो ऐसे ही होता है, आई थिंक ये लास्ट टू लास्ट ईयर भी यही चल रहा था कि ये लोग कंपनी रात में मेल कर देती है आपके कॉलेज के जो मेल आईडी से, तो यही होता है. सिद्धार्थ वैसे आपके अकॉर्डिंग मतलब क्या प्रोबेबिलिटी रहती है, जैसे अगर 400 बच्चे अप्लाई करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी रहती है कि कितने बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, 50-60-70%? क्योंकि बहुत बच्चों के डाउट्स होते हैं. यही देखो मैं यही बोलूंगा कि इसमें इम्पोर्टेंट मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं है, मैं लिटरली बोलूँ तो मैं उसको अब मैं प्रिडिक्ट कर नहीं सकता हूँ इसको, क्योंकि मेरे को पता नहीं है इसके बारे में कि मेरे कॉलेज से लेकिन सारे बैठे थे. मैं लिटरली बताऊंगा जिनके 6.5 से ऊपर CGPA था, बैकलॉग नहीं था, वो बैठे ही होंगे मेरे कॉलेज से. तो सिंपल सी बात है कि तुम अगर तैयारी कर रहे हो, अगर तुम दूसरी कंपनीज की तैयारी कर रहे हो, तुमसे आराम से ये सबसे आसान है कि तुम इसको ट्रैक कर सकते हो, मैं यही बोलूंगा. थोड़ा सा हर्डल है, मैं वही बता रहा हूँ, थोड़ा एप्टी में लगेगा, बट इफ यू आर कंफर्टेबल विथ योर एप्टी, तुमने प्रैक्टिस की है थोड़ी बहुत तुम्हारे, तो यू इट वुड बी वेरी इजी. एंड ये परसेंटेज मैं कहूंगा कि ध्यान नहीं देना चाहिए अभी के लिए, क्योंकि तुम ऑन कैंपस बैठ रहे हो. एंड सबसे अच्छी बात ऑन कैंपस में ये होती है कि तुम्हारी जो है ना तुम्हारी कॉम्पिटिशन होती है तुम्हारे पीयर ग्रुप वालों से, तुम्हारे सामने के तुम्हारे बगल वाले से कंपटीशन होती है. सो इट इज क्वाइट इजी, आराम से रहो, आराम से निकलेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है. अगर जब तुम ऑन कैंपस बैठे, ऑफ कैंपस का मुझे नहीं पता कि क्या होता है इसमें, क्या सीन है. ऑन कैंपस का मैं जरूर बता सकता हूँ कि बहुत मतलब तुम आराम से क्रैक कर सकते हो. ऑन कैंपस में प्लेसमेंट क्रैक करना सबसे आसान होता है अगर देखो तो तुम इन कंपेरिजन टू Off campus. बिल्कुल. Agree. तो सिद्धार्थ HR में क्या questions पूछे थे basically आपसे, जैसे आपने TR के बता दिए, HR में क्या basics question थे? HR में तुम्हारे basic questions जैसे पूछते हैं वो लोग कि भाई tell me about yourself. जैसे मैंने मेरे से पूछा था उन लोगों ने कि उन्होंने question पूछे थे political views के बारे में. तो political views के बारे में उन्होंने पूछ लिया था मेरे से. तो उसी टाइप से क्वेश्चंस थे, जैसे मेरे बगल वाले से पूछा था कि तुम्हें उसने जैसे बोला था कि उसे उसकी हॉबी थी पेंटिंग करना उस लड़के की, तो उसने पेंटिंग के बारे में अपने बताई थी, तो उसने बताया था कि मैं पेंटिंग करता हूँ. तो उसने पूछा था कि अच्छा पेंटिंग करते हो तो तुम व्हाई यू डोंट मेक अ करियर इनटू इट. तो उसने बोला था कि मैं उसको कर रहा हूँ अपना, बाद में मैं देखूंगा उसके बारे में.
काफी अच्छे से प्रेजेंट, जो एचआर में बेसिकली इट इज कि यार बहुत टीआर एंड एचआर राउंड बहुत होता है, अगर तुम कंफर्टेबल तरीके से ऐसा कुछ गलत ना बोल दो, अच्छे से अगर तुमको जो मेंटेन करो एक डेकोरम, तो यू वुड बी वेरी इन अ वेरी गुड सेफ प्लेस कि तुम, हाँ तुम्हारा हो गया, तुम्हें मतलब बाहर निकलते निकलते समझ में आ जाएगा यस यू आर गेटिंग प्लेस, वो बहुत आसान से होता है, उसमें टेंशन नहीं होती है। ये मैं एक्सेंचर के हिसाब से बोल सकता हूँ कि इट इज वेरी इजी, ट्रस्ट मी। सिद्धार्थ, जैसे आप आपने अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा बता दिया, मतलब एक्सपीरियंस बता दिया, अब आप कुछ बताना चाहोगे, जैसे आप एसेंचर में आप काम करने लग गए हो, ट्रेनिंग चालू हो गई है, तो उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहते हो सबके साथ। ना बिल्कुल, तो देखो पहली चीज, जब जैसे ही तुम्हारी, मैंने जैसे बताया तुम्हें कॉल आता है एक्सेंचर का, जब तो यू आर सपोज की, जैसे इस बार थोड़ा कोविड में डिले हो गया, अभी भी कॉल्स आ रहे हैं, तो पहली चीज ये होती है कि जब भी तुम्हारी ज्वाइनिंग होती है उसके थोड़े दिन बाद तुम्हारा एक फंडामेंटल टेस्ट होता है, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्लियर, यू नीड टू स्कोर 60% इन टू इट। सो पहली चीज है कि तुम अपने यू आर सपोज टू, बिकॉज हर कंपनी का एक टेक्निकल होता है, ये सिर्फ इसके साथ नहीं है, इफ यू गो इनटू कैपजेमिनी तो वो इंटर्नशिप करा देती है, विप्रो जैसे तुम्हारी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछती है, आईबीएम हो गया तो आईबीएम जो है वो भी तुम्हारा, जीबीएस आईबीएम जो है वो तुम्हारा टेक्निकल कराती है, एलएनटी हो गया वो भी कराती है, कॉग्निजेंट भी कराती है, आई गेस, तो ये सारी कंपनीज कराती है। तो पहली चीज है कि तुम्हारा तुम्हें एक, इसमें एक मॉड्यूल्स मिलते हैं, ठीक है, मॉड्यूल्स तुमको मिल जाएंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जैसे ही तुम्हारा ऑफर लेटर आता है तुम्हारे पास, तुम्हें मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, मॉड्यूल्स को उठाओ, मॉड्यूल्स को सॉल्व करना चालू करो, मॉड्यूल्स को सॉल्व करोगे तो तुमको क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे, मॉड्यूल से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि तुम मॉड्यूल्स करके जाओ। फिर वहां पे जब तुम्हारी ज्वाइनिंग होती है उस ज्वाइनिंग लोकेशन पे टेस्ट होता है, जैसे मेरा टेस्ट हुआ था मेरे घर से ही हुआ था अभी, तो कैमरा तुम्हारा पूरा प्रॉक्टर टेस्ट होता है, उसके बाद जब तुम होते हो तो देन योर ट्रेनिंग स्टार्ट, देन योर प्रॉपर स्ट्रीम ट्रेनिंग स्टार्ट, एंड दैट मैं अभी जब मैं हूँ उस प्रॉपर स्ट्रीम ट्रेनिंग में, ये प्रॉपर स्ट्रीम ट्रेनिंग जब होती है तो उसके बाद फिर एक और टेस्ट लिया जाता है, जो कि तुम्हारा इसका जो तुम्हें स्ट्रीम पढ़ाया जा रहा है, जैसे बहुत सारी स्ट्रीम्स है एक्सेंचर में भी, तो जैसे मेरा स्ट्रीम अभी जावा है, किसी का SAP है, किसी का Salesforce है, किसी का .NET है, किसी का Oracle है, तो हर का स्ट्रीम का ना उसके बाद फिर एक टेस्ट होता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तुम उसके बाद टेस्ट हो, और टेस्ट को तुमको फिर एक क्लियर करना पड़ता है। सो आई विल टेल यू दैट जो चीजें हैं फंडामेंटल, ऐसा नहीं करना है किसी भी बच्चे को, तुम्हारे माध्यम से मैं यही बताऊंगा कि टेस्ट मतलब कोडिंग मत छोड़ना, कोडिंग करते रहो बाद में भी, ऐसा नहीं है कि कोडिंग मतलब हो जाएगा बाद में कर लेंगे, नहीं, अब ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर दूसरे ब्रांच वालों के लिए भी, क्योंकि वो लोग अगर अच्छे नहीं कर रहे हैं कोडिंग या, क्योंकि सही बात है कोडिंग जरूरी नहीं है करना, लेकिन बात है कि यहाँ पे अब जरूरत बन जाती है, तो कोडिंग जो है फिर उनको करनी है, तो पहले से ही जैसी प्लेसमेंट होता है उसके बाद तुम फ्री रहते हो, दूसरी कंपनी में भी फायदा मिलेगा, कोडिंग करते रहो, अगर बाई चांस चांस मिलता है तो कोडिंग चालू कर दो, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं स्ट्रिंग के एरे के, वो चालू कर दो और करते रहो उसको बैठ के अच्छे तरीके से, तो तुम वहां पे जब फंडामेंटल में जाओगे तो वहां पे तुम्हारे कोडिंग का एक टेस्ट होता है जिसमें जावा के दो क्वेश्चंस रहते हैं, तुमको एक करना रहता है, उसके बाद एक तुम्हारा और एक तुम्हारा RDBMS का रहता है, उसके दो क्वेश्चंस है तुमको एक करना रहता है, और MCQ राउंड होता है, MCQ के तुम्हारे 50 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, तुमको दोनों को मिला के तुम्हारा एग्रीगेट 60 होना चाहिए, तो तुम उसको बहुत आराम से भी कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं होती है, लेकिन वो बात की बात है, पहले आई थिंक एप्टी क्लियर करो, एप्टी पे फोकस करना चाहिए अभी के हिसाब से, मैं यही बोलूंगा क्योंकि अभी रिक्रूटमेंट चल रही है, एंड दैट्स इट, यही है एक्सेंचर का तो प्रोसीजर में यहाँ तक ही मैंने देखा है। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, लाइक आपने अपना टाइम निकालकर सबके लिए इतना शेयर किया, क्योंकि अभी एसेंचर की जो ड्राइव है वो स्टार्ट होने वाली है, अक्टूबर के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो रही है, सो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, लाइक आपने टाइम निकाल के लिए इतना कुछ शेयर किया, हर एक चीज बताई, दैट मींस अ लॉट। ये भी बहुत बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा है कि तुम्हारे तरफ से एटलीस्ट वीडियोस बन रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है कि कैसे तैयारी करनी है कैसे नहीं करनी है, क्योंकि एटलीस्ट इससे पता चलता है कि हाँ, क्योंकि बहुत तुम नेट पे देखोगे तो बहुत एक मतलब सिर्फ एक वीडियोस मिल जाती है तुम्हें, यूट्यूब पे मिलेगा कंटेंट, लेकिन वो तुम्हें मतलब सीधा बताता है, बस पैकेज बता देगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू प्रिपेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि तुम्हें इंटरव्यू के बारे में डू एंड डोंट्स पता होना चाहिए, PI के लिए मैं खुद ही बोलूंगा, अभी बोलूंगा
कि कभी भी वहां पे मैं एक अपने दोस्त को जानता हूँ जिसने जिसका एसी में एपी क्लियर हो गया था, वो वहां जाके उसको हट गया था क्योंकि उसने कुछ बात ऐसी बोल दी थी वहां पे जाके जिसके कारण उसका नहीं हुआ। तो बहुत मतलब बहुत एक मेंटेन करो डोकेरम जब भी पीआई में जाते हो, और एकदम कॉन्फिडेंट होके जो तुमसे पूछा जाता है उसके बारे में जवाब दो, एंड एपी को अच्छे से क्लियर करो। बहुत आसानी से तुम इस कंपनी को क्लियर कर सकते हो अगर तुमने एपी अच्छे से किया हुआ है। मीन्स जो इसका जो इम्पोर्टेंट है वो एप्टी ही है कि सबको बच्चों को एप्टी में ही ध्यान दें। बहुत बहुत इसमें अगर तुमको लगता है कि तुम एफएससी के लिए कोडिंग कर भी लोगे तो मैं कहूंगा कि भैया पहले तो तुम एप्टी क्लियर करो, क्योंकि एप्टी क्लियर करोगे तभी तुम एफएससी के लिए कोडिंग में बैठ पाओगे। दूसरी कंपनीज जो प्रोडक्ट बेस्ड होती है वो लोग उतना एप्टी पे ध्यान नहीं देती है, वो लोग कोडिंग पे ध्यान देती है। नहीं, यहाँ पे है कि पहले तुम्हें एप्टी क्लियर करना पड़ेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक दिस इज ओनली और एक तरीके से सिद्धार्थ हम ये भी तो बोल सकते हैं अगर आपका एप्टी क्लियर हो गया तो 60% आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप बता रहे हो इंटरव्यू बहुत इजी है। मैं बोलूंगा कि 70 बोलूंगा क्योंकि तुम्हारा जो जब राउंड होता है टेक्निकल का तो तुम्हारा तुम अगर खुद अपने रेज्यूमे को नॉर्मल तरीके से जो आता है उसके बारे में कॉन्फिडेंट हो वो रेज्यूमे बना के जाओ। मैं ये कहूंगा कि रेज्यूमे सब लोग बोलते हैं एक ही रेज्यूमे बनाना चाहिए, मैं कहता हूँ हाँ एक ही बनाओ, बट जितना तुम एक्सेंचर में तुम खुद ड्राइव कर सकते हो। अगर तुमसे इंटरव्यू पे वो रिज्यूमे के ऊपर पूछते भी हैं तो ट्रस्ट मी बहुत आसान होता है, उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, और तुमसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस किए, बहुत ही सिंपल मैं नहीं कहूंगा लेकिन हाँ मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उतना टफ नहीं होता है। एचआर राउंड हर कंपनी का आसान होता है, और टेक्निकल भी अगर यहाँ पे पूछा जाता है तो टेक्निकल भी बहुत सिंपल पूछा जाता है, जैसे बताया ना मैंने प्राइम नंबर हो गया, फिर बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तुमसे। सिद्धार्थ बिल्कुल थैंक यू। और दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, मैंने एसेंचर पिछली एक वीडियो बना रखी है वो भी आप देख सकते हो, और एसेंचर और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सिद्धार्थ चलते हैं दोस्तों, सिद्धार्थ थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय बाय।